चंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल ने, जब तलक तू बना देना बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सब। देखो जाके पकोड़ों के साथ रायता कौन खाता है? I just love tomato ketchup. बस शंगरीला ना हो, मल्टी सबसे ये। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, बस पल भर में। तुम्हारी चाय, अंडा और ये पराठा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है वो फ्राइडे है, और जो है सुबह से कुछ मौसम अजीब है, वो इस वजह से क्योंकि बारिश हो रही थी यहाँ पे, और इतना कोई अजीब सा वेदर हुआ हुआ है कि जैसे ही आप ऑफिस आवर्स के लिए उठते हो ना, तो उस वक्त बारिश हो रही होती है। नहीं 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 नहीं, फजर से बारिश हो रही होती है, और ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स जैसे आपके 9 o'clock और 10 o'clock होते हैं ना, तो उस बीच जो है ना बारिश बंद हो जाती है, और जैसे आप ऑफिस पहुँचते हो भागते दौड़ते डूबते, उसके बाद जो है ना बारिश फिर से स्टार्ट हो जाती है, और फिर जो है ना ऑफ टाइमिंग्स में या फिर वीकेंड्स पे बारिश होती है, वीक डेज में नहीं होती। इतना कोई बैड सीन चल रहा है ना कराची का कि बस के बंदा प्रिकॉशंस जो है ना प्रिकॉशंस में रेनकोट और अम्ब्रेला वगैरह जो है ना वो ले के हमें घूमना पड़ रहा है, और ऐसा वेदर कभी नहीं आया कराची में, तो जो है बहुत ही कोई यूनिक वेदर है कराची वालों के लिए, और कराची वाले खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। और स्पेशली जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि थोड़ी सी अलार्मिंग है, कि बहुत जगह पे पानी जो है ना ड्रेनिंग सिस्टम अच्छे नहीं है, और पानी इस तरह से फ्लो में नहीं साफ हो पाते रोड, और लोग फंस जाते हैं, और कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि बहुत बैड हुए, तो इसलिए थोड़ा सा सिचुएशन पैनिक है। अदरवाइज़ जो है ना कराची वाले बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज को, कि जैसी गर्मी होती है वैसी रात तक जो है ना बारिश हो जाती है, समटाइम्स जो है ना सो के उठो और अचानक से बारिश हो रही होती है, तो वी आर सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। आज फ्राइडे है और मैंने उस चीज़ में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है, सो एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइज, यहाँ पे जो है ना अभी मेरे मुझे नमाज ब्रेक मिला हुआ था, तो सोचा मैंने आपके साथ कुछ बातचीत कर लूँ, क्योंकि मुझे घर पे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कुछ भी शूट करने का, तो यही था कि वेदर अपडेट्स मैं आपको दूँ कि कराची वालों को आजकल मॉनसून बड़ा ही कोई अच्छा उनका गुजर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह, और आई होप कि आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जो है अच्छा अच्छा कुछ खाएँ। आज हमने पकौड़े खाए, सारी क्लिप्स मैं अटैच कर दूंगी, और बहुत 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 जल्द जो है ना बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। अभी तक जो है ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अपना जो भी ट्यूटोरियल्स वगैरह करने का, लेकिन अब जो है मैंने कुछ प्लान किया है वीकेंड के लिए, तो आई होप कि मैं वो कर सकूं और आप तक लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच कि आप मेरे इतने बिजी स्केड्यूल में से जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसको लाइक भी करते हैं, और जो है मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। इसी तरीके से जो है ना मेरे वीडियोस देखते रहिए, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि जो है ना कोई भी ऐसी अपडेट्स जो कि मैं आपको देना चाहूँ रह ना सके। आज सुबह जो है ऑब्वियसली रेनी वेदर था, और फिर बाल स्ट्रेट भी करो तो वो जो है ना फिर अजीब से हो जाते हैं, तो मैंने स्ट्रेट नहीं किए, सो ये थोड़ा सा वेवी जो है ना जो मैंने अभी न्यू हेयर कट किया था वो कुछ और ही शेप में होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे आगे के बैंग्स हैं ना वो बहुत ही कोई शॉर्टर लेंथ में कर दिए हैं, तो वो ऑब्वियसली नहीं टिकते, बड़ा ही कोई मुश्किल होता है मुझे ये मैनेज करना बाल, तो बस ऐसे ही चल रहा है।
इंशाल्लाह वीकेंड पे जो है ना कुछ प्लान किया है, इंशाल्लाह अगर वो पॉसिबल हुआ, बारिश नहीं हुई तो ज़रूर हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं जो है जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, वन मोर थिंग इज़ कि मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसे अभी मैंने कोई वीडियो अपलोड की तो वो ये समझते हैं कि अगर मैंने लास्ट नाइट की है तो वो मैं लास्ट नाइट ही डिनर पे या कहीं किसी गैदरिंग में गई हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। मैंने शूट कोई एक एक हफ्ते पहले किया होता है, फिर उसको एडिट करके उसको ऑन एयर लाने में मुझे टाइम लगता है। तो प्लीज़ 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 मुझे क्रिटिसाइज़ करना या फिर मुझे टॉन्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि वो मैंने लास्ट नाइट नहीं किया होता, जो भी कुछ भी सेलिब्रेशन है या कुछ भी, तो वो जो है ना कोई एक हफ्ते पहले का होता है। और मुझे इतना कोई अजीब सा लगता है कि लोगों को इतनी अकल नहीं है कि जो है सारा कुछ जो भी वीडियो एडिटिंग है फिर ऑन एयर लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि बस हमने रिकॉर्ड किया और ये एज इट इज़ डाल दिया। जो अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं वो हमेशा अपना जो भी कंटेंट होता है उसको बहुत अच्छे से फाइनलाइज करके और फिर ऑन एयर लेकर आते हैं। ऐसे मेरे साथ हाँ कुछ रैंडम क्लिप्स होते हैं जो कि हम सोचे समझे जो है ना एक दो दिन के अंदर ही डाल देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर रिव्यू वीडियोज़ होती हैं वो ऑब्वियसली उसमें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी चीज़ को एकदम से ऑन एयर ना ले आए। तो काइंडली इस चीज़ को समझा करें, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, वर्क लाइफ भी है, और फिर ये हमारा जो शौक़ है यूट्यूबिंग का तो वो भी है। तो हम रिलेटेबल नहीं होते कि लास्ट नाइट हम पार्टी करके आए और सुबह में जो है ना हम ऑफिस आ रहे हैं और ये सब चीज़ें। तो काइंडली अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए और फालतू किसी को ऐसे क्रिटिसाइज़ ना कीजिए। ये मुझे लाजमी क्लियर करनी थी, मेरे पास इतने सारे लोग हैं अच्छा लास्ट नाइट तो पार्टी करके आ लो। अरे भाई लास्ट नाइट नहीं की थी, वो मैंने कोई अराउंड वन वीक पहले की वीडियो थी जो कि मैंने अब अपलोड क्यू में मेरे लगी होती हैं, वो बाद में अपलोड हुई है। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन जो है ना वो आप अपने दिमागों का निकालें और पॉजिटिव सोचा करें, बजाय इसके कि जो है ना नेगेटिव आप फीडबैक दें या नेगेटिव ओहो पार्टी कर रहे हैं ये लोग, ओहो चिल मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर हम भी जो यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी अगर कुछ आपको सिर्फ अलग अलग कोई क्या बोलूँ मैं अपने ज़िंदगी के फंडे दिखाते रहेंगे ना तो आप लोग बोर हो जाएंगे। एंटरटेनिंग रखना चाहिए, और एंटरटेनिंग के लिए फिर ये होता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव इमेज दिखा रहे होते हैं अपने कोई भी मसले मसाइल। मैं कोशिश ये करती हूँ कि ना ही आई है बहुत कोई पीक लेवल पे हो जाए तो वो भी लोगों को बुरा लगता है तो मैं नहीं डालती। तो जो भी है ना हाँ रिलेटेबल होना चाहिए, तो वो ज़रूर कोशिश करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, और विश मी लक।